खबर सीमा से पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया, दो जख्मी हो गए। नियंत्रण रेखा से आतंकवादियों को भारत में घुसाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अखनूर सेक्टर में जबरदस्त फायरिंग हुई। इसके बाद संसद में इस पर कांग्रेस और बीजेपी में जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली। जम्मू के अखनूर सेक्टर में चाकला के फॉरवर्ड पोस्ट पर पाकिस्तानियों ने आतंकवादियों की घुसपैठ को कवर देने के लिए जोरदार फायरिंग की। भारतीय सेना के नगर रेजिमेंट के जवानों ने जवाबी हमला किया। इस फायरिंग में सेना के एक जवान की मौत हो गई और दो जख्मी हो गए। सेना के एक जवान के शहीद होने का मसला संसद में भी गूंजा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने सरकार पर जमकर तंज कसे। हर पब्लिक मीटिंग में दोहराया गया था कि यूपीए की गवर्नमेंट कमजोर है और इसी वजह से सीज फायर वायलेशन जम्मू कश्मीर में होते हैं, तो आज अब सर क्यों झुक गया है, आज क्यों इतनी वायलेशन होती है। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने मोर्चा संभाला और कहा कि न सर झुकेगा और न ही सरकार झुकने देगी। न तो सर झुका है ये सरकार, न ही सर झुकने देगी। लेकिन सरकार के जवाब से उसकी सहयोगी शिवसेना संतुष्ट नहीं दिखी और उसके नेता संजय राउत ने सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली। आज हमारा एक जवान शहीद हो गया, कल और होगा, हम सिर्फ हमारे शहीद जवानों की गिनती करेंगे। अगर हमारा एक जवान शहीद हुआ है तो उनके 10 करोड़, यही भाषा पाकिस्तान को समझती है। रक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि इस साल 16 जुलाई तक पाकिस्तान की तरफ से 54 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। रक्षा मंत्री के मुताबिक मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हुई मुलाकात में ये मुद्दा उठाया था, लेकिन पिछले हफ्ते भर से लगातार हो रहे सीज फायर के उल्लंघन के चलते पाकिस्तान के नापाक मंसूबे साफ नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में सरकार के लिए ये चुनौती भरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7।